Hey guys, welcome to Technical RB YouTube channel में आपका स्वागत है। तो जियो की तरफ से एक धमाकेदार रिचार्ज की ऑफर आ रही है। अगर आपको जियो का रिचार्ज करना है तो आपको 100 रुपीज का कैशबैक मिल रहा है। तो ये ऑफर आ रही है जियो और मोबीक्विक एप्स की तरफ से। तो इन दोनों की तरफ से ये ऑफर निकल के आ रही है जहाँ पे आपको 100 रुपीज का कैशबैक मिल रहा है। लेकिन इस वीडियो में आपको आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। काफी लोग कहते हैं कि वो कैशबैक मिलता नहीं है। इनफैक्ट मुझे भी कैशबैक नहीं मिला है। मैंने टोटली 4-5 बार ट्रायल किया तब जाके मुझे एक बार कैशबैक मिला। तो ये कैशबैक क्यों नहीं दे रहा है यही इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको भी कैशबैक लेना है, अगर आपको भी जियो का रिचार्ज करना है और उस पर आपको 100 रुपीज़ का कैशबैक चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, जहाँ पे मैं आपको लाइव करके भी दिखाऊंगा और आपको लाइव कैशबैक भी दिखाऊंगा। तो जैसे आप देख सकते हो, अभी मैंने एक रिचार्ज किया था उसमें भी मुझे कैशबैक नहीं मिला है। लेकिन मैं टोटली आपको बता देता हूँ, मैंने 4-5 बार रिचार्ज किया तब जाके मुझे एक बार कैशबैक मिला है। तो अब मैं उसकी सारी टर्म एंड कंडीशन जान चुका हूँ कि कैसे आपको कैशबैक मिलेगा, एग्जैक्टली आपको कैशबैक कैसे मिलता है। जैसे हमने 4-5 बार ट्रायल किया फिर भी कैशबैक क्यों नहीं मिला है और अभी क्यों मिल रहा है, तो ठीक है, वो सारे आपको डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको भी जियो का रिचार्ज करना है तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, जहां पे आपको 100 रुपीज़ का कैशबैक मिलने वाला है। हम वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ यार इसको जरूर से ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि जो भी लेटेस्ट ऑफर रहती है वो मैं सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे दे देता हूँ। चाहे वो स्पेशल रिचार्ज रिलेटेड हो या फिर ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट ऑफर रहती है वो मैं सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे ही दे देता हूँ। तो जरूर से ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ कि ये हमें कैशबैक मिल चुका है। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, जैसे मैंने 600 रुपीज़ का रिचार्ज किया था, सबसे पहले एडमिन रिचार्ज कर लिया और उसके बाद एक सुपर कैश मिला और उसके बाद ये 100 रुपीज़ का कैशबैक मिल चुका है। तो ठीक है, कैशबैक मिल रहा है वो तो 100% है, लेकिन कैसे मिलेगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले आपको अपना माई जियो एप्स ओपन कर लेना है और याद रखिएगा आपको माई जियो से ही रिचार्ज करना है तभी कैशबैक मिलेगा। तो आपको जियो लाइट पोस्ट एप्स आता है उसी से आपको रिचार्ज नहीं करना है। जैसे अपना माई जियो एप्स ओपन कर लो, इसके बाद आपको सिंपली रिचार्ज वाले सेक्शन पे चले जाना है। तो चलिए मैं अपना रिचार्ज वाले सेक्शन पे जाके एक कोई भी जितने रुपीज़ का भी रिचार्ज करना है वो प्लान सेलेक्ट कर लेता हूँ। याद रखिएगा आपको इस ऑफर की टर्म एंड कंडीशन है कि आपको 3.99 या फिर उससे ऊपर का ही कोई प्लान रिचार्ज करना है तभी कैशबैक मिलेगा। तो चलिए मैं कोई भी एक ऊपर का ही प्लान सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए मैं ये 555 वाला एक प्लान रिचार्ज कर लेता हूँ। तो चलिए हम इस प्लान को बाय नाउ पे कर लेते हैं। तो चलिए हम पेमेंट मेथड पे आ चुके हैं। तो अभी आपको वहाँ पे दो ऑफरें देखने को मिल रही है, एक तो आपको अमेजन वाली है और इसके अलावा एक मोबीक्विक वाली है जहाँ पे आपको 100 रुपीज़ का कैशबैक मिल रहा है। तो ठीक है, तो चलिए अब जैसे आप देख सकते हो, आप चाहो तो इसकी टर्म एंड कंडीशन पढ़ सकते हो। जो ये मोबीक्विक वाली ऑफर है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ और इसके अलावा इसमें आपको अपना अकाउंट भी लिंक करना रहता है, वो कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो सबसे पहले हम एक बार टर्म एंड कंडीशन पर नज़र फेर लें। तो जैसे आप देख सकते हो, टर्म एंड कंडीशन में सिंपल से लिखा हुआ है कि आपको 100 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा अगर आप 3.99 का रिचार्ज करते हो या फिर उससे ऊपर का कोई भी प्लान रिचार्ज करोगे तो आपको ये 100 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा। लेकिन इसमें साफ साफ बताया गया है कि वो आप जिस भी अकाउंट से रिचार्ज कर रहे हो वो वाला मोबीक्विक का अकाउंट न्यू ही अकाउंट होना चाहिए, वो इससे पहले कभी भी यूज़ किया हुआ नहीं होना चाहिए, वरना आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। तो मतलब एक फ्रेश न्यू मोबीक्विक का अकाउंट भी होना चाहिए और इसके अलावा आपको रिचार्ज करना है जो जियो वेबसाइट है और आपके पास जो जेब से उन्हीं में आप रिचार्ज कर सकते हो। आप इसमें जियो लाइट पोस्ट से उसी से रिचार्ज मत करना वरना कैशबैक नहीं मिलेगा। और भी इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है, वो मैं आपको आगे चालू में बताता रहूंगा। जहाँ पे जिस पॉइंट पे जहाँ पे मेन टर्म एंड कंडीशन लागू पड़ती है वहीं पे मैं आपको बता दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ठीक है, टर्म एंड कंडीशन पे नजर फेरने के बाद आपको आगे कंटिन्यू कर लेना है। तो सबसे पहले आपको अपना जो मोबीक्विक ऐप से इसको लिंक कर लेना है। तो अब जैसे वहाँ पे क्लिक करोगे आपको जो भी नंबर है वो नंबर देना है और उसके पे आपको OTP आएगी, वो OTP दे देना है। इसके बाद आपको उसमें एड मनी कर लेना है। तो चलिए एड मनी करने के लिए आपके पास, अब मैं आपको एड मनी वाले पॉइंट पे आपको बता देता हूँ इसकी टर्म एंड कंडीशन क्या लागू पड़ती है। तो सबसे पहले इसमें आपको जो भी रिचार्ज करना है वो आपको डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से ही करना है। आपको ना ही नेट बैंकिंग और ना ही आपको UPI से इन दोनों से आपको पेमेंट नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ डेबिट कार्ड से ही पेमेंट करना है तभी कैशबैक मिलेगा। वो भी डेबिट कार्ड ऐसा होना चाहिए जो कभी भी आपको मोबीक्विक ऐप्स में यूज़ किया हुआ नहीं होना चाहिए। याद देखिएगा ऐसा डेबिट कार्ड चाहिए जो कभी भी आपके किसी भी मोबीक्विक अकाउंट में यूज़ किया हुआ नहीं होना चाहिए वरना कैशबैक नहीं मिलेगा। तो मतलब डेबिट कार्ड भी वैसा चाहिए जो फ्रेश हो, जो कभी भी मोबीक्विक में यूज़ ना किया हुआ तो ही चलेगा, तभी आपको कैशबैक मिलेगा। तो ठीक है, मैंने डेबिट कार्ड का जुगाड़ कर लिया है, अब मैं वहाँ पे एक रिचार्ज कर लेता हूँ। तो अपना डेबिट कार्ड का नंबर देने के बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं और मुझे एक OTP आएगी, वो OTP में देके वहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल कर लेता हूँ।
हम थोड़ा वेट कर लेते जहाँ पे हमारा ये पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद रिचार्ज भी आपको इंस्टेंट आपको रिचार्ज तो तुरंत ही हो जाता है, लेकिन कैशबैक में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। कितना लगेगा वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले अभी आप इस पे डन पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि अभी आपका रिचार्ज सक्सेसफुल हो चुका है। तो चलिए अभी हमारा रिचार्ज हो चुका है सक्सेसफुल। अब हम अपना मोबीक्विक ऐप में जाके देख लेते हैं। जैसे ही हम अपने मोबीक्विक ऐप में जाएंगे, वहां पे आप देख सकते हो मुझे कोई भी कैशबैक नहीं मिल रहा है। तो चलिए हम एक बार फिर से मोबीक्विक ऐप में चले जाते हैं और वहां पे मैं आपको दिखा देता हूं। वहां पे आप देख सकते हो सिर्फ एक सुपर कैश मिला है, इसके अलावा मुझे और कोई कैशबैक मिला ही नहीं है। तो कैशबैक पाने के लिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इसमें टाइम लगता है, 3 वर्किंग दिन का टाइम लगता है। जैसे इसकी टर्म एंड कंडीशन में बताया गया है कि वो खुद मैनुअली चेक करेंगे, तो मतलब उनके आदमी खुद चेक करेंगे इस ऑफर के लिए आप ये ऑफर आपको मिल सकती है या फिर नहीं मिल सकती, वो खुद वो देखेंगे, इसके बाद ही आपको कैशबैक मिलेगा। इसके लिए उनको 3 दिन का टाइम चाहिए, वो भी 3 वर्किंग दिन होने चाहिए, तभी आपको कैशबैक मिलेगा। तो सिंपल उसमें वो लोग क्या चेक करेंगे वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो वो देखेंगे कि आपका वो रिचार्ज फर्स्ट टाइम हुआ है, तो ठीक है ये हमारा एक न्यू फ्रेश अकाउंट था इसलिए फर्स्ट टाइम रिचार्ज हुआ है। इसके अलावा हमने रिचार्ज माई जियो से ही किया है, तो हाँ हमने माई जियो से रिचार्ज किया है। इसके अलावा हमारा डेबिट कार्ड जो फ्रेश था, जो कभी भी मोबीक्विक में यूज़ किया हुआ नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल हमारा डेबिट कार्ड कभी भी मोबीक्विक में यूज़ किया हुआ नहीं था। तो ठीक है ये 3 टर्म एंड कंडीशन हुई। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन है इसमें कि आप जिस भी मोबीक्विक अकाउंट से कर रहे हो वो किसी ना किसी डिवाइस में वो लॉगिन होना चाहिए वो अकाउंट। तो ठीक है मतलब जो भी आप मोबीक्विक अकाउंट जैसे आप अपने मोबाइल में क्लोन बना के अकाउंट बना लेते हो वो नहीं चलता है। तो सिंपल है उसी अकाउंट में आपका मोबीक्विक ऐप्स इंस्टॉल किया हुआ होना चाहिए। ये जरूरी है कि आपका उसी मोबाइल में अपना मोबीक्विक ऐप्स वहाँ पे इंस्टॉल हुआ होना चाहिए, तभी वो कैशबैक मिलेगा। अगर आप बहुत घंटे के अंदर वो ऐप्स के अगर उस डिवाइस में वो इंस्टॉल नहीं हुआ तो कैशबैक आपको फिर नहीं मिलेगा। तो वैसे मैंने ऐसे करते करते मैंने 4-5 बार ट्रायल की, तब जाके एक अकाउंट में मैंने सारे टर्म एंड कंडीशन को अच्छे से पढ़ा और अच्छे से सब कुछ किया, तब जाके ये मुझे 100 रुपीज़ का कैशबैक मिल रहा है। तो इस बार बहुत ही तगड़ी वाली टर्म एंड कंडीशन रखी, बहुत ही इजी कैशबैक नहीं दे रहा है, वो खुद मैनुअली चेक भी कर रहा है, अच्छे से सारी चीज़ें अच्छे से परफेक्ट होनी चाहिए तभी कैशबैक दे रहा है। वरना हम क्या करते थे किसी का भी नंबर लेके एक अकाउंट बना के रिचार्ज कर लेते थे, अभी वैसा नहीं चला है वो बोल रहा है। और इसके अलावा आपके मोबीक्विक में KYC भी होनी चाहिए तभी कैशबैक मिलते हैं। तो इसके 4-5 जो इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन वो मैंने आपको बता दी, वो आप सिर्फ फॉलो कर लेना, सिंपल आपको कैशबैक मिल जाएगा। और एक बात, आपका जो भी जियो नंबर पर रिचार्ज करना है उसी नंबर पे आपका मोबीक्विक अकाउंट हो वो जरूरी नहीं है, आप किसी भी मोबीक्विक अकाउंट को लगा सकते हो, आप किसी भी जियो नंबर पर रिचार्ज कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। मोस्ट इंपॉर्टेंट बस इतना याद रखना कि आपके पास एक न्यू डेबिट कार्ड हो, और इसके अलावा जिस भी नंबर पर आप रिचार्ज जिस भी मोबीक्विक अकाउंट यूज़ करें उसी के मोबाइल में वो ऐप्स इंस्टॉल होना चाहिए, तभी कैशबैक आपको बड़ी इजीली मिल जाएगा। सबसे पहले 2 इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन याद रखना कि आपका डेबिट कार्ड कभी भी मोबीक्विक में यूज़ किया हुआ नहीं है, और इसके अलावा आप जिस भी मोबीक्विक अकाउंट से आप करें उसी में वो इंस्टॉल होना चाहिए। आपके मोबाइल में इंस्टॉल होगा तो नहीं चलेगा, उसी के मोबाइल में इंस्टॉल हुआ होना चाहिए या फिर किसी और के मोबाइल में इंस्टॉल होना चाहिए, तभी कैशबैक मिलता है। तो ठीक है टर्म एंड कंडीशन बड़ी सिंपल सी है, अब बस आपको समझना बहुत मुश्किल है, आप एक बार समझ लेंगे तो आप बड़ी आसानी से इसको कर पाओगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना।